قواتل الجروح وانقضيت اللي كتفي كل عين تبكي لو سمع आज भी शूज भूल गया था, बच गए। घर से निकलते निकलते मुझे याद आया कि मुझे शूज लेने हैं, तो वापस ऊपर गया, शूज लिए और फिर आया। वरना आज तो भाई फुल डे पे यू नो थोड़ा लेग ड्राइव होता है। किसी भी मशीन पे आप बैठो या कुछ भी यूज़ करो, इंक्लाइन बाइसेप लगा रहे हो, लैट पुल डाउन लगा रहे हो, वन आर्म रोइंग लगा रहे हो, थोड़ा लेग ड्राइव, थोड़ा सा लेग ड्राइव होता है, तो बिना शूज़ के मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज। इसलिए अच्छा शूज़ लेके आया हूँ। लेट्स गो, आज फुल फोकस से करना है, फुल फोकस से, 0.01% एक्स्ट्रा एफर्ट। मैंने अपना पूरा पुल सेशन का बैक और रियर डेल्ट सेशन ख़त्म कर लिया है। वेंट सुपर हार्ड, डिडंट गिव अप। बहुत सारे टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, बट आई डिडंट गिव अप। कंटिन्यूइंग दी 2023 मेंटालिटी, दैट्स इट। मसल को फेल होने देना है, माइंड को, और छोड़ देना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ बाइसेप्स। एक साइड वार्म अप लगा लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू दी होल बाइसेप वर्कआउट। अब स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बाइसेप का, जैसे 12.5 के जी के दो सेट, उसके बाद 15-15 के तीन सेट, पांच सेट, उसके बाद एक स्टैंडिंग ऑल्टरनेट कर्ल्स विच आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग बाई 17.5, क्योंकि मैं 17.5 से स्टैंडिंग ऑल्टरनेट कर्ल्स लगा पाता हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट गोस।
finished bicep curls, 17 difficult था दोनों सेट. जो फिल्म है दैट इज़ द लास्ट सेट. आई डोंट नो शायद छः रेप टर्न से निकाल दो, बट स्टिल ट्राई टू पुश माइसेल्फ एज मच एज़ आई कैन. 15 इंक्लाइन पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था जो मुझे. कंपेरेटिवली आई वुड से 10% ज़्यादा लाइट लग रहा था मुझे यूजुअल 15 जब मैं कॉल करता हूँ उससे उसके हिसाब से. सो लेट्स गो अप हैमर कर्ल से. आई एम थिंकिंग हैमर मैं डबल हैमर करूँ या रोप केबल हैमर करो. लेट्स सी. टुडेज लंच दो बड़े पनीर सैंडविच. इसमें 85 टू 90 ग्राम्स ऑफ पनीर है, 110 ग्राम्स ऑफ दही है और जो मैंने थोड़ा सीजनिंग ऐड किया है वो है. उसके साथ दो स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑब्वियसली 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. जिम ख़त्म हो गया है, अब ये खाएंगे, एंजॉय करेंगे, साथ में थोड़ा टीवी देखेंगे. आई विल सी यू सून.